पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह के द्वारा आज नामांकन किया गया है और बाबू मुनका दादी वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आज बसपा के द्वारा उपचुनाव में खैर विधानसभा को लेकर आज नामांकन किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह जी को बनाया और उन्हीं का हम लोगों ने आज मिलकर नॉमिनेशन करा। कितने शर्ट जमा किए? आदेश मिला था कि तीन तीन सब लोग शर्ट जमा। देखिए, अभी हमारे दो शर्ट जमा हुए, एक शर्ट और जमा करेंगे। तो क्या लग रहा है, किससे फायदे मानते हैं? कहीं ना कहीं पहले जो पूर्व में प्रत्याशी रही थी चारू केन, बसपा से चुनाव मिली थी 2022 में, महज 44,000 वोटों से हारी थी वो, तो क्या कहेंगे इसको लेके कि प्रत्याशी कितनी फाइट कर पाए? जहां तक लड़ने का सवाल है और बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो आज 30% नेता भारतीय जनता पार्टी में लगा है, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, और समाजवादी पार्टी में चाहे कोई भी नेता है, सांसद हो, विधायक हो, 30% से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किए। ये तो दौर है, कभी इधर राजनीति का दौर है। और जहां तक वोटों का मामला है, वो बहुजन समाज पार्टी के वोट थे, चारू केन के नहीं थे। और बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी और ये चुनाव जीतेगी। जाटलैंड इलाका इसको बोला जाता है, हालांकि अगर बात करें तो चारू केन अब सपा के प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है किस तरीके से वोटों को रहने और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चुनाव चार बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, उसी हिसाब से काम किया। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, जाट भी हमारे साथ है, ब्राह्मण भी हमारे साथ है, अपर कास्ट भी हमारे साथ है, बैकवर्ड भी, माइनॉरिटी भी, पिछड़े वर्ग के लोग भी, हर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। देखिए, ये थे मेरे साथ बाबू मुनका दल और प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह हमारे साथ मौजूद है। क्या क्या इस चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों के बीच आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, माननीय बहन जी ने मुझको यहाँ पर उपचुनाव खैर में एक प्रत्याशी के लिए भेजा है। मैं अपने खैर विधानसभा में सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा, विकास पर ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, और यहाँ पर जो विकास से संबंधित है, यातायात से संबंधित है, बेरोजगारी से, उनको ये मेरे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है हमने डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, जाट राजा जाट वोट को नमाने की राजा महेंद्र साहब स्टेट यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानते हैं कि जाम की बड़ी समस्या है? देखिए, जाम बस हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी उसको करें, हमारी सत्ता है, जो सत्ता के साथ मिलकर उसको जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कराएंगे। अभी अग्निवीर वाला मुद्दा हुआ था, एक बड़ा हावी रहा पे, जट्टारी चौकी फूंक दी गई थी, क्या लग रहा है किसानों के हित में क्या क्या करिएगा? देखिए, सत्ता पक्ष का वो है, मेरा इसमें कुछ वो नहीं है। किसानों के हित में क्या क्या करिएगा? किसानों का में गन्ने का है, एग्रीकल्चर, उसमें पूरा मतलब ध्यान देंगे, उसको लोन का है, वेस्ट सिस्टम है, खाद का है, जो मतलब आवश्यकताएं होती हैं किसान की, पानी की, खाद की, वो बीज की, वो हम उसको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, हमारे साथ में तमाम और जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया, क्या कहेंगे आज नामांकन किया गया, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं खैर विधानसभा को लेकर? आज बहुत खुशी का अवसर है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बहुत ही शिक्षाविद जो मेडिकल ऑफिसर रहे हैं डॉक्टर पहल सिंह जी, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाने का उपचुनाव में काम किया है। माननीय बहन जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय डॉक्टर पहल सिंह जी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि खैर विधानसभा का चुनाव तो अब आ रहा है, लेकिन खैर विधानसभा का विकास केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के शासन में हुआ, उसके बाद खैर विधानसभा में कोई विकास किसी पार्टी ने कराने का काम नहीं किया है। अगर डॉक्टर पहल सिंह जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो वो 100% यहाँ खैर विधानसभा को पूरी तरह से विकसित करने का काम करेंगे। अभी आप जो कह रहे थे कौन लड़ाई में है कौन नहीं है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई में कोई नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहले भी यहाँ 67,000 वोट लेकर के आई थी, वो किसी प्रत्याशी के वोट नहीं थे, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी के निशान के वोट थे, और उसमें इस बार और इजाफा होगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगी। कितने वोटों से जीतने का सामना? यहाँ कम से कम 20-25,000 वोट से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं हमारे साथ में मौजूद थे और जो कि नामांकन करके अब वो लगातार लौटे। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊं कि खैर तहसील के बाहर मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं आज जो प्रमुख पार्टियां उनके द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है, बसपा के डॉक्टर पहल सिंह के द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया गया और प्रत्याशी अब जीत का दावा ठोकते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। ताज किसके सर बनेगा,
हालांकि ये तो 23 नवंबर को लिया हुआ है, लेकिन अगर खैर विधानसभा की बात करें तो 13 नवंबर को खैर विधानसभा में चुनाव होना है और इसके बाद में जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी ये आने वाला बस बताएगा। देखिए ये तहसील खैर है और तहसील खैर के तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद है। प्रत्याशी आज नामांकन करते हुए लगातार अब यहाँ से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रही है। अब देखिए हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोकता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। ताज किसके सर बनने वाला है ये 13 नवंबर को जनता डिसाइड करेगी। और हालांकि 23 नवंबर को आखिर खैर विधानसभा आखिर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सोचिए जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, अलीगढ़, खैर विधानसभा।